और आप देखते होंगे माँ पिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है। नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन आ गए। यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। आस्था के साथ खिलवाड़ करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके ये लोग प्रदेश की जनता पर, बेटी की सुरक्षा पर, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते थे। और आज इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माँ पिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है, है ना? कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा, मालूम है ना? तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है, वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे, वे लोग नहीं दे सकते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे, आज पे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास में सबसे बड़ा बैरियर है राजनीति का अपराधीकरण, माफिया प्रवृत्ति के